अगर हमने कुछ फाइल्स जो है वो किसी वेबसाइट से या कहीं से हमने लेके मॉडल बने बनाए मॉडल अपने सीन के अंदर प्लेस करने हो और हमारे सीन के अंदर जो है वो हमने एक ओवरऑल एक घर बनाया वो एक एरिया बनाया वो और उसके अंदर हमने फर्नीचर या मुख्तलिफ और बने हुए ऑब्जेक्ट प्लेस करने हो, ऐसा ही पॉसिबल होता है कि टीम के अंदर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग लोग बना रहे होते हैं, फिर उन सबको कंबाइन कर दिया जाता है। तो वो कंबाइन करने का तरीका और किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं कुछ बने बनाए रिसोर्सेज वो देख लेते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट है archive3d.net, यहाँ से इसमें जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मॉडल्स जो है वो सर्च भी करवा सकते हैं कि यहाँ से आप इसको सर्च करवा लेंगे, आपको जो सोफ़ा चाहिए या जो है वो कोई और बेडरूम कोई भी फर्नीचर टाइप की कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, मैं सपोज़ क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं ये वाला रैक जो है ना वो इंपोर्ट कर लेते हैं। जब आप सर्च करवा लेंगे डिटेल आ जाएगी आपके पास। फिलहाल मेरे पास जो है मैं इनमें से एक फिर प्रोसेस देख रहा हूँ, तो एक चीज़ सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद ये ज़रूर देख लीजिए कि किस फॉर्मेट में आ रहा है। 3DS फॉर्मेट है, ठीक है, ये इम्पोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो मैक्स में अगर हम देखें तो मैक्स में इम्पोर्ट के जो फॉर्मेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इम्पोर्ट के अंदर देखें 3DS फाइल आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो और कौन कौन सी फाइल है, FBX फाइल है, तो वो ये तमाम फाइल्स जो हैं वो आपके पास आ जाएगी। OBJ फाइल आ जाएगी, OBJ में मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक न एक फाइल लाजमी है कि आपके पास जो है ना वो, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3S फाइल जो है ना वो अवेलेबल है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। OBJ फाइल हो अच्छी बात है, और उससे भी अच्छा है कि अगर आपके पास मैक्स की ओरिजिनल फाइल हो, .mx फाइल जो होती है, क्योंकि 3S फाइल में क्या होता है तमाम चीज़ें मर्ज हुई भी होती हैं, और मैक्स के अंदर ऑप्शन ये होता है कि अगर कोई मॉडिफायर अप्लाई हुआ हुआ या जो भी उसकी चीज़ें हैं वो सब कुछ ओरिजिनल फाइल की तरह वो सेव हुई भी होती है। खैर, हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। फाइल डाउनलोड करने के बाद फाइल में आते हैं, इंपोर्ट में आते हैं। देखिए, अगर आपके पास 3DS की अपनी फाइल हो, जिसका मतलब है कि .max, तो वो यहाँ से मर्ज होगी। लेकिन अभी याद करें हमारे पास कौन सी फाइल थी, 3DS फाइल थी, तो हम इसको जो है वो इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप से जो है वो हम ये देखिए हमारे पास एक 3DS फाइल है, एक OBJ फाइल है, देख लेते हैं अगर OBJ फाइल ठीक होगी तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। बाद वक्त ये होता है कुछ फाइल करप्ट भी होती हैं, कुछ फाइल नहीं भी सही होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास चॉइस है तो फिर हम OBJ फाइल खोलेंगे। इसका फायदा क्या होता है कि टेक्सचर वगैरह सारा हमें मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इम्पोर्ट मटीरियल देखें एक्टिव है, बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई खास में चेंज करने की ज़रूरत है। हम इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। ये कुछ मैप जो है वो मिसिंग शो कर रहा है, तो मैं ये करूँगा कि इसको ऐड सर्च करवा लूँगा, क्योंकि मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है। तो डेस्कटॉप के अंदर इस फाइल के अंदर जो है ना वो सेव, तो वो सारे टेक्सचर क्या करेगा ऑटोमेटिकली जो है ना वो पिक कर लेगा। तो हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर के समेत आएगी, अदरवाइज अगर 3DS फाइल होती तो मे भी पॉसिबल था कि उसको अलग तरीके से मुश्किल तरीके से जो है ना वो करना पड़ता। तो देखिए हमारे पास एक वो वाला रैग जो था वो एज इट इज़ हमारे पास आ गया है, और काफ़ी अच्छी शेप में है, पॉलीगॉन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 7 प्रेस करता हूँ सिंपली, तो ये देखें 1000 पॉलीगॉन्स हैं, और वायर फ्रेम देखते हैं F3 प्रेस करके, तो ये वायर फ्रेम भी ठीक ठाक है, कोई खास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉलीगॉन जो है वो नहीं है। सही, हाँ। इसके बाद जो है वो अगर हम इसमें और इसको एवरी मतलब उसका एडजस्ट करना चाहें साइज़ वगैरह, तो हम देख सकते हैं किस तरह ये बॉक्स पे क्लिक किया, एक बॉक्स हम खुद से बना लेते हैं। अदरवाइज़ हम एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम टेप के थ्रू मेजर कर लें। फिलहाल ये बॉक्स बना हुआ है,
बॉक्स की हाइट जो है वो क्या रखते हैं हम 6 फीट रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसकी कैबिनेट की हाइट भी रैक जो है ना वो 6 फीट ही 6-7 फीट होती है ऑलमोस्ट, तो 6 फीट पे देखते हैं तो ये तकरीबन ठीक ही है ये हाइट, इसकी हाइट और विड्थ सही होगी। सेकेंड ऑप्शन जो है वो ये किया जा सकता है कि आप जो है वो फाइल में यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं, टेप में आते हैं और यहाँ से टेप के ज़रिए इसको मेजर कर लेते हैं, लेफ़्ट व्यू से यहाँ से टेप क्लिक ड्रैग करते हैं तो ये देखें आपको यहाँ पे इंचेस में शो कर रहा है कि 86 इंच है, 8 फिट में जो है वो 12 इंचेस होते हैं, तो उसको आप डिवाइड करके इसको पता चल जाएगा आपको कि इसका साइज़ क्या है। ठीक है, सपोज़ कर लें कि ये मेरे पास जो है ना वो एक सीन एक चीज़ आ गई, इसी तरह मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्ट करके जो है वो अपना सीन जो है वो पूरा कम्प्लीट कर सकता हूँ। लेकिन अब ये पूरा सीन मेरे पास कम्प्लीट हो गया, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो है वो इसमें कुछ एनिमेट कर लूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑटो की प्रेस करनी पड़ेगी, देखते हैं।